सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार इन अ बैंक रोड। बैंक रोड क्या होता है, देखो नॉर्मली क्या होता है, स्पेशली जो हिल स्टेशन हैं वहाँ पे सड़कें फ्लैट नहीं बनाई जाती, जैसे हाईवे हैं या हमारा राउंड अबाउट है उसमें सड़क को उठाया नहीं जाता, नॉर्मल ऐसी रहती है। लेकिन पहाड़ों के ऊपर गाड़ियों को बहुत तेज़ी से नीचे भी उतरना है और ऊपर भी चलना है, और बहुत ज़्यादा चांस है कि गाड़ी तेज़ चलाएगा तो गाड़ी उसकी ट्रैक से बाहर होती होती खाई में भी जा सकती है, क्योंकि अगर ये पहाड़ है तो ट्रैक ऐसे चल रहा है तो फिसलते हुए बाहर की तरफ जा सकती है, ये बहुत प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सड़क को ऐसे रखते नहीं है, पहाड़ों पे सड़क को ऊपर उठा दिया जाता है, ट्रैक रेसिंग ट्रैक की तरह हल्का सा उठाते हैं, लेकिन अगर आप ट्रैक देखें साइकिलिंग ट्रैक्स हैं तो वो सड़क ऐसी नहीं होती, सड़क ऐसी होती है। तो ये वाला साइकिल वाला तो ऐसे चल रहा होता है ट्रैक में, तो आप इमेजिन करें कि रेसिंग ट्रैक है कुछ भी है जो जिस स्टेडियम के अंदर चीज जिसको घूमना है, तो वो ट्रैक ऐसे ही रहेगा, थोड़ा ऐसे रहेगा। अब सड़क, अब देखो नॉर्मली अगर मैं ये बोलूं कि आप एक साइकिल चला रहे हैं या आप एक बाईसाइकिल चला रहे हैं और आपको मोड़ काटना है, फ्रिक्शन है नो डाउट, मोड़ काटना है और बहुत तेज़ चला रहे हैं और बहुत तेज़ मोड़ काटना है, तो साइकिल वाला तो फटाफट क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा कि मैं बेंड हो जाता हूँ और मुझे सेंट्रीपिटल मिल जाएगी, मैं सर्कल में घूम जाऊँगा, बात होगी ख़त्म। गाड़ी वाला आता है उसी ट्रैक पर, गाड़ी वाला भी उससे भी तेज़ गाड़ी चलाता है, उसको भी सर्कल में घूमना है, वो मन में सोच रहे काश साइकिल होती मैं ऐसे मोड़ देता, और मन में ये भी सपना ले रहा है कि स्टेयरिंग अगर ऐसे मुड़ता और मैं अपनी कार को कैसे चलाता, ऐसे दो पहियों पे चला लेता, कितनी आसानी से मोड़ लेता, क्योंकि सारा जोर तो यहाँ पड़ना है तो मैं इसको ऊपर ही उठा देता हूँ साइकिल वाले की तरह। साइकिल वाला भी तो ये ऐसे बेंड हो गया था, तो कार वाला सोच रहा है मैं भी ऐसे अपनी कार को उठा के गोल मोड़ लेता तो बहुत आसानी होती, पर गाड़ी मोड़नी और उठानी तो बहुत मुश्किल है एक तरीके से। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, कहते कोई बात नहीं गाड़ी उठा देते हैं, ये देखो कैसे सड़क उठा दी, गाड़ी नहीं टेढ़ी हो सकती, सड़क तो टेढ़ी हो सकती है, तो जब सड़क को इंक्लाइंड कर लिया तो आप देखो ये बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ही हो गया, देखो ना गाड़ी ऐसी थी गाड़ी ऐसी हो गई। तो सोचो अगर गाड़ी दो पहियों पे चलती टेढ़ी उस, और वो चल रही है कैसे, क्योंकि आपने सड़क को ही उठा दिया एक तरफ से। तो सड़क को एक तरफ से उठाना क्यों उठाया अभी डिस्कस करेंगे। तो किसी भी सड़क को एक तरफ से उठाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। तो हमने ट्रैक्स की क्या कर दी, बैंकिंग कर दी, एंगल से उठाना, एक तरफ से उठा देना और दूसरी तरफ से ना उठाना, बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स है। और जितने एंगल पे उठाया जाता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग, 15 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, डिपेंड करता है कितनी तेज व्हीकल जाएगी उतने उठा देते हैं, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, बैंकिंग ऑफ ट्रैक किसे बोलते हैं, अब क्यों करते हैं बैंकिंग ऑफ ट्रैक इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको ना दो केस बिल्कुल क्लियर दिखने चाहिए, एक बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वाला और दूसरा कार ऑन अ लेवल रोड वाला। बस मेरे को दो चीजों के आंसर दे दो, अगर साइकिल वाला बेंड होता था तो कौन प्रोवाइड करता था सेंट्रिपिटल, नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट आर साइन थीटा, याद है अगर ये बेंड होता है तो आर साइन थीटा सेंट्रिपिटल की तरह काम करता है, ये याद रखना। और लेवल रोड में याद रखना कौन प्रोवाइड करता है सेंट्रिपिटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कहां एक्ट करती है, टुवर्ड्स सेंटर। और तीसरी चीज का आंसर दे दो, अगर ये गाड़ी नॉर्मल ट्रैक पे चल रही है जो बिल्कुल प्लेन है, ये नॉर्मल ट्रैक पे गाड़ी ऐसे चल रही है तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी इसकी, टुवर्ड्स सेंटर, और जो क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रिपिटल। तो अगर ये आपकी गाड़ी चल रही है और मैं आपसे ये पूछूं कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां है, बहुत तेज चल रही है, तो आप क्या बोलेंगे, टुवर्ड्स सेंटर, याद रखना इस स्टेटमेंट को। तो आपने मुझे क्या बताया, अगर गाड़ी ऐसे चल रही है तो फ्रिक्शन कहाँ होगी, टुवर्ड्स सेंटर। तो देख रहे हो ये वेक्टर फ्रिक्शन का है, कहाँ कर रहा है, टुवर्ड्स सेंटर, देख रहे हो, तो ये टुवर्ड्स सेंटर राइट। अब ये ध्यान से, मैंने इसकी बैंकिंग कर दी, मैंने ट्रैक को उठा दिया, अब मेरी गाड़ी इस ट्रैक पे चलेगी तो मैंने इसको नहीं छेड़ना, क्योंकि चलना तो गाड़ी ने ट्रैक पे ही है ना, तो फ्रिक्शन पहले भी टुवर्ड्स सेंटर है और फ्रिक्शन अब भी टुवर्ड्स सेंटर है, देख रहे हो, बस सड़क को ऐसे उठाया, कुछ नहीं किया। ये आपकी गाड़ी है, फिर देखो एक बार, ये आपकी कार है और मैंने आपसे पूछा फ्रिक्शन कहाँ कर रही है, आपने कहा टुवर्ड सेंटर, ये पेन फ्रिक्शन है, तो ये ऐसे था डायग्राम, मैंने ऐसे कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं चेंज करना, गाड़ी भी ऐसी जा रही है, पेन भी ऐसा ही है, तो फ्रिक्शन अभी भी कहाँ है, टुवर्ड्स सेंटर, कुछ नहीं चेंज हुआ। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब मैं इन चीज़ों को यूज़ करने वाला हूँ, जरा ध्यान से देखना, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि जब आपने इस कार को लेवल रोड पे चलाया तो आपने फ्रिक्शन ये कैसे ली, एफ
गाड़ी तो ट्रैक पे ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, टेढ़े ट्रैक पे चल रही है, फ्रिक्शन ऐसे कैसे है? लेकिन उसके लिए एक बात समझनी पड़ेगी, ये ट्रैक है कैसा। देखो ये ट्रैक ऐसा है, मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है कुछ ऐसे, ये लो ये सर्कुलर ट्रैक है, ये ऊपर उठा हुआ है, ये जो पीछे वाली सड़क है ऊपर उठी हुई है नीचे वाले से, और ये आपकी कार है, ये लो। मैंने इतने से डायग्राम को काट के वहां बनाया है, इमेजिन कर पा रहे हैं वो कैसे हो रहा है? इसमें ट्रैक आपका ऐसा था, उठ गया एट एन एंगल ऑफ थीटा उठ गया, और आपकी कार ये रही, देखो ये चीज है सेम। पॉइंट नंबर वन क्लियर। पॉइंट नंबर टू इस बात को समझें, इसके अंदर जो पिछला डायग्राम था और ये डायग्राम है उसमें ज्यादा अंतर थोड़ी ना है। ये देखो सिर्फ यही अंतर है, ये सड़क सीधी है गाड़ी सीधी है, ये सड़क उठ गई गाड़ी उठ गई, यही डायग्राम में फर्क है। इसमें फ्रिक्शन कहाँ है? सड़क के साथ लेफ्ट, सही। और अगर मैं यहां पे इस सड़क को ऊपर उठा दूं ऐसे, तो आपकी गाड़ी ऊपर उठ जाएगी ऐसे। फ्रिक्शन कहां पर थी? इसमें ऐसे, और इसमें कैसी रहेगी? ऐसे, सही है ना। फ्रिक्शन अभी भी ऐसे है, फ्रिक्शन अभी भी सड़क पे ऐसे है, कोई डाउट इसमें? तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन अगर लेफ्ट है सड़क के अलोंग, और अगले डायग्राम में जब मैं सड़क को ही ऐसे उठा दूंगा और मेरी कार ऐसी चली जाएगी, तो ये मेरी सड़क है, फ्रिक्शन ऐसी बनेगी। तो क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन सबको समझ में आ रही है? तो ये आपकी जो गाड़ी है जब चल रही होगी, ये आउटवर्ड बाहर जाने की कोशिश करने वाली है, जैसे लेवल रोड पे बाहर गिरने की कोशिश करती है, इसमें भी ट्रैक के ऊपर जाने की कोशिश करती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए फ्रिक्शन डाउनवर्ड है। बोलो। ये इंक्लाइन प्लेन जैसा ही है? नहीं 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 नहीं, अब ये इंक्लाइन प्लेन का बस इतना ही डायग्राम सेम है। उसमें इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है, आप इंक्लाइन प्लेन लेते हैं, आप बॉक्स को रख देते हैं, और बॉक्स स्लाइड करता हुआ ऐसे आता है, तो फ्रिक्शन ऐसे हो जाती है, ये ऐसे आ रहा है। अब आप कहोगे अगर ऐसे आ रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे ले लो, नहीं वो टायर्स की फ्रिक्शन ले नहीं रहा ना, वो रोलिंग फ्रिक्शन नहीं ले रहा, रोलिंग फ्रिक्शन अलग है, टायर के बीच में फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट ही अलग है, वो तो हमने डिस्कस किया ही नहीं, वो तो रोटेशनल मोशन में आएगा कि टायर कैसे घूमते हैं, ये वो नहीं है। ये तो स्किडिंग वाली है कि अगर कार फिसल जाए, काइनेटिक आ जाए, फिर उसको कैसे करना है। काइनेटिक की जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड सेंटर आएगी अगर गाड़ी फिसलती है तो, और नहीं फिसलती तो स्टैटिक कहाँ आएगी? टूवर्ड्स सेंटर आएगी, राइट। ये वो केस है इंक्लाइन प्लेन वाला, आपने ब्लॉक को रखा, ब्लॉक नीचे जो है स्लाइड करता हुआ नीचे आ गया ना, ये वो नहीं है। ये वही केस है कि अगर आपकी कार, जो मैंने आज आते एग्जाम्पल लिया था, आपकी कार ट्रैक पे बहुत तेज दौड़ रही है, उसकी टेंडेंसी बाहर जाने की है, आउटवर्ड जाने की है, ये है। क्लियर है यहाँ तक? ये वो फ्रिक्शन है, और अगर स्किडिंग स्टार्ट हो गई तो ये फ्रिक्शन का नाम काइनेटिक हो जाएगा, और उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। और आप देखेंगे अगर आपकी कार सच में गीली मिट्टी आ गई और सच में फिसल गई, आप गाड़ी के देख सकते हैं वहां पर जब ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी की जो फ्रिक्शन है वो आपके स्किडिंग के ऑपोजिट ही होगी, ठीक है यहाँ तक? तो ये फ्रिक्शन ऐसे है, तो जब ये ट्रैक ऊपर उठेगा तो ये ऐसी हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप यही है जो लोगों को कंफ्यूज करता है कि ये एफ की डायरेक्शन ऐसे कैसे हो गई, ठीक है, क्योंकि गाड़ी की टेंडेंसी, चलती गाड़ी की टेंडेंसी बाहर जाने की है, तो फ्रिक्शन इधर है। गाड़ी का वेट क्या है? mg। गाड़ी के ऊपर सड़क से क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन है r, ये थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, मींस ये थीटा है, थीटा करते हुए r के दो कंपोनेंट होंगे, r cos थीटा, r sin थीटा, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, वेट के साथ याद है mg mg cos थीटा वाला, तो अगर ये थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी थीटा है, r के दो कंपोनेंट होंगे, r cos थीटा, r sin थीटा। अब इंपॉर्टेंट ये भी है, इस सड़क के ऊपर उठने से, गाड़ी के बेंड होने से नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट टुवर्ड सेंटर चला जाएगा। चेक करो, फ्रिक्शन भी यहां पर सेंट्रीपिटल की तरह काम करने वाली है, और बेंड करने की वजह से नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट भी सेंट्रीपिटल की तरह काम करेगा। यहां पर दो दो चीजें हैं, और तभी तो मैं बोल रहा था ये केस मिक्सचर है दो चीजों का, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का और लेवल रोड का, क्योंकि लेवल रोड की फ्रिक्शन काम कर रही है, और बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में सड़क को टेढ़ा करके नॉर्मल रिएक्शन वही काम कर रहा है। तो अब इस क्वेश्चन में जब ये एग्जाम में आएगा, और ये पक्का आएगा, आपके स्कूल लेवल के इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, आपके स्कूल में डेरिवेशन आती है,
बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स क्या है, एक्सप्लेन करो बैंकिंग, और साथ में ये भी इसमें एक्सप्लेन करो कि बैंकिंग ऑफ ट्रैक में एक कार की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है कार चलाने की, ये आपको एक्सप्लेन करना है। आपको वी बताना है इसमें क्या है, कौन सा वी, मैक्सिमम वी। मैक्सिमम वी क्या होता है पता है, कि अगर तुम्हें ये कह दिया जाए इस गाड़ी का मैक्सिमम वी 60 किलोमीटर पर आ रहा है, और अगर तुमने 61 कर दी वेलोसिटी, तो उसकी क्या स्टार्ट हो जाएगी, स्किडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और 100 पे तो वो उल्टती हुई चली जा सकती है बाहर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी 60 का ये मतलब है, किससे ऊपर गाड़ी को नहीं चलाना, वार्निंग है ये। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, और स्पेशली हिल स्टेशन पे ये बहुत करते हैं लोग, सड़क डालते हैं। तो आपने एग्जाम के अंदर ना डायग्राम ये बनाना है, कौन बनाएगा वो डायग्राम, ये बनाएंगे डायग्राम। तो ये जो है वेक्टर एफ साइन थीटा वेक्टर है, ऐसे करेक्शन कर लेना, एफ साइन थीटा ये वेक्टर है, डायग्राम के अंदर चेंज कर लेना थोड़ा सा। तो देखो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये ट्रैक हमने ऊपर उठा दिया, अब समझ में आएगा आपको, ये देखो ट्रैक ऊपर उठ गया। इस गाड़ी की टेंडेंसी बाहर जाने की है ट्रैक की तरफ, सेंटर की तरफ है नहीं, इधर है, इधर है तो फ्रिक्शन नीचे है, फ्रिक्शन नीचे है तो थीटा थीटा ऑल्टरनेट एंगल है। एफ के दो कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, एक सेकंड प्लीज, एफ साइन थीटा का वेक्टर गलत बन गया मुझसे, ये एफ साइन थीटा है, सॉरी ये एफ साइन थीटा है, पर वेक्टर 90 डिग्री पे, एफ कॉस थीटा के परपेंडिकुलर, सॉरी यहाँ पर होगा, एम जी के साथ है, एम जी के साथ है, राइट। तो ये एफ है, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन है, और ये अगर थीटा एंगल बनेगा, थीटा थीटा, तो ये भी थीटा, आर के दो कंपोनेंट हैं, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। अब लास्ट बात मुझे बस ये बता दो कि ये कार का सेंटर कहाँ होगा, सर्कल में तो घूम रही है, इसका सेंटर कहाँ होगा, लेफ्ट राइट पहले ये बताओ, चलो ठीक है लेफ्ट है, मान लेता हूँ, लेफ्ट में कहाँ, लेफ्ट में किधर, पॉइंट नंबर यहाँ पे, वन पे, टू पे, या थ्री पे, मतलब ये सेंटर तीनों में से क्या मार्क करना पसंद करोगे, वन टू की थ्री। कितने लोग बोलते हैं सड़क के साथ वन, कितने लोग बोलते हैं टू। देखो ये सारी प्रॉब्लम घर जाके क्रिएट होने वाली हैं, जब आप रेडियस निकालोगे और रेडियस गिवन नहीं होगा तो क्या मापोगे। अब आप इसके लिए इमेजिन करो, आप एक स्टेडियम में बैठे हैं क्रिकेट के, और सीटें कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं, ऊपर ऊपर तक होती है। अब इमेजिन करो आप सबसे लास्ट सीट पे बैठे हैं, बहुत ऊपर बैठे हैं, पिच नीचे है, और इमेजिन करो स्टेडियम ने घूमना शुरू कर दिया, वो सीटें घूम रही हैं, तो जो आखिरी बंदा होगा सबसे टॉप के सर्कल में होगा, उसका सेंटर कहाँ होगा, वो पिच के ऊपर मिलेगा, क्यों मिलेगा, वर्चुअल हवा में मिलेगा। अच्छा चलो मेरी एग्जांपल ले लो, हम सब ये रूम सेंटर में घूम, सर्कल में घूम रहे हैं, मैं तो स्टेज के ऊपर हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, मेरा सेंटर कहाँ, ज़मीन पर पड़ा हुआ है। ऐसा कौन सा सर्कल मैथ में सीखते हो कि बंदा यहाँ खड़ा है, उसका सेंटर वहाँ पर है, कैसे घूम सकता है। तो मैं अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल घूम रहा हूँ तो मेरा सेंटर सामने मिलेगा, और आप लोग नीचे घूम रहे हो, आपका सेंटर इस लेवल पे मिलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये जो कार है जिस लेवल पे घूम रही है, इमेजिन करो उस, वो जब घूमेगी तो ऐसे ट्रैक में घूमेगी तो उसका सेंटर कहीं यहाँ कहीं मिलने वाला है, हवा में कहीं भी, वर्चुअल ऐसे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो सेंटर नीचे नहीं मिलने वाला ज़मीन पर, सेंटर हवा में कहीं सेंटर होगा। तो इसीलिए आपने देखा जहां ये कार है वेक्टर वहीं तो बन रहे हैं, और यही तो वेक्टर सेंटर की तरफ जाएंगे, तो ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं थी, जहां ये वेक्टर जाएंगे सेंटर में जाके घुसेंगे, और कहीं नहीं घुस सकते, ये इसकी सीध में होगा सेंटर। तो सेंटर की तरफ इस बार दो दो फोर्सेस काम कर रही हैं, एक आर साइन थीटा और दूसरा एफ कॉस थीटा। तो टोटल फोर्स सेंटर की तरफ क्या है, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, और यही एक्ट कर रही है इस कार पे सेंट्रीपिटल। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, एम वी स्क्वायर बाय आर। आर में कंफ्यूज ना हो जाना, बड़ा आर नॉर्मल रिएक्शन है, और ये जो मैंने तुमने बनाना है डायग्राम में बना लो चाहे, ये छोटा आर है, याद रहेगा छोटा आर सेंटर है। समझ में आ रहा है यहां तक। तो ये दोनों फोर्सेस कहां एक्ट कर रही है, टुवर्ड सेंटर, और यही एक्ट कर रही है सेंट्रीपिटल एम वी स्क्वायर बाय स्मॉल आर। ये आइडिया समझ में आ रहा है। और मैं आपको और आसानी से समझा सकता हूँ इस बात को। इमेजिन करो ये बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वाला केस है, और सोचो फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन हटा दो तो क्या बचेगा, सिर्फ आर साइन थीटा,
बेंडिंग ऑफ साइक्लिस में आर साइन थीटा ही प्रोवाइड करता था सेंट्रिपिटल, और लेवल रोड पे फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करती थी सेंट्रिपिटल, और इसमें दोनों चीजें इकट्ठी हो रही हैं तो दोनों का सम हो गया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? इन दोनों का सम इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय स्मॉल आर, और यहां पे आर कॉस थीटा किसके इक्वल है? एम जी। कार ऊपर तो उड़ने दी ना, तो आर कॉस थीटा तो एम जी के इक्वल है ही है, रादर एम जी के इक्वल नहीं सर, ये भी रह गया, ये बनाना मैंने करेक्शन करवाई थी, एफ साइन थीटा। तो आर कॉस थीटा एम जी प्लस एफ साइन थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन का एक कॉम्पोनेंट नीचे भी एक्ट करेगा, तो आर कॉस थीटा एम जी प्लस एफ साइन थीटा। बस यहीं तक गेम है सर्कुलर की, आगे सिर्फ मैथ्स है, मेन चीज़ जो है वो सिर्फ डायग्राम है, ये ढूंढ रहे हैं। एक्चुअल में सर्कुलर नाम की तो चीज़ है ही नहीं ना, एक्चुअल में तो ये फिर से कहानी फोर्स पे आके अटक गई है, फोर्स का चैप्टर यही तो स्टार्ट हुआ था। तो मैं बता क्या रहा हूँ, कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं चलती हुई कार पे, बस इतना सा फर्क है कि जब हम फोर्स का चैप्टर करते थे उसमें लीनियर मोशन था, ऊपर नीचे लेफ्ट या राइट, आसान था। इसमें सर्कुलर है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इमेजिनेशन हाई चाहिए थोड़ी सी, एक स्टेप और। तो इसके अंदर ये जो दोनों फोर्सेज हैं एम वी स्क्वायर बाई आर और ये आर कॉस थीटा एम जी प्लस एफ साइन थीटा, इसका नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करेगी। आप एक काम करें, एफ साइन थीटा को लेफ्ट पे ले आए इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्लियर है सबको। आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, दिस इक्वेशन बाय दिस इक्वेशन, एम वी स्क्वायर बाय आर अपॉन एम जी, एम से एम कैंसिल, वी स्क्वायर बाय आर जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम एक काम करो, इस लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करो बाय आर कॉस थीटा, इसको भी आर कॉस थीटा से डिवाइड, इसको भी आर कॉस थीटा से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ता, कट के तो वही बात आ जाएगी। और लास्ट है, इस टर्म को इससे डिवाइड करो, आर से आर कैंसिल साइन बाय कॉस टेन, इस टर्म को इससे डिवाइड करो, कॉस और कॉस कैंसिल एफ बाय आर, इसको इससे डिवाइड करो क्या बनेगा 1, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो साइन और कॉस बनेगा टेन एफ बाय आर। लेकिन एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आर, एफ बाय आर क्या होता है? म्यू। तो इसकी और इसकी जगह क्या पुट कर दें? म्यू, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी इंटू समथिंग, वी अंडर रूट, फॉर्मूला नोट कर लें, इस पे न्यूमेरिकल आने हैं, एनसीईआरटी स्कूल में डेरिवेशन आनी है, नीट वालों को तो आप पुराने पेपर चेक कर लेना, 4 साल पहले का पेपर है, नीट वालों को क्वेश्चन आया हुआ है ये फॉर्मूला मार्क करने को, अगर कोई गाड़ी लेवल रोड की जगह बैंकिंग ऑफ ट्रैक पे चले तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है, ये हो सकती है, सिर्फ ये मार्क ही करना था, कुछ करना ही नहीं है, लिख लो फॉर्मूला रजिस्टर में, एंटर करो इसे, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, तो आपकी गाड़ी इससे ऊपर ना चले, ध्यान रखना। मैंने ये नहीं कहा गाड़ी इससे ऊपर चल नहीं सकती, तो महंगी गाड़ियां लेके आओ, 200 की स्पीड पे जाओ हिल स्टेशन में, मना किसने किया है, फिर मत कहना कि गड़बड़ हो गई थी, सर ने कहा था, मैंने नहीं कहा, ठीक। तो गवर्नमेंट क्या करती है, देखो आपने देखा होगा जब आप हिल स्टेशन में जाते हो मैक्सिमम स्पीड लिमिट लगी होती है, कितनी हिल स्टेशन पे 40-50, 40-45 के आसपास रहती है, तो वो लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं, रेडियस ऑफ ट्रैक पुट करते हैं, जी पुट करते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग देखते हैं कितने, म्यू पुट करते हैं, और मान लो आंसर है 60 किलोमीटर पर आर, पर वहाँ लगाते हैं 40 किलोमीटर पर आर, क्योंकि गाड़ी कई लोग तेज़ भी चलाते हैं साइन बोर्ड के बाद भी, तो थोड़ा स्पेस मेंटेन करते हुए वहाँ पर साइन बोर्ड ऐसे लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम लिमिट ये है गाड़ी की, और सोचें अगर फ्रिक्शन नहीं है, सोचें हिल स्टेशन है, बैंकिंग हो रखी है, फ्रिक्शन नहीं है, म्यू जीरो कर दो, म्यू जीरो करोगे इसमें तो मैक्सिमम वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा होगी, और या टेन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी, ये बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वाला केस निकल आया, याद करो, सिर्फ बैंकिंग की वजह से गाड़ी चलेगी। पर कई लोग मुझसे पूछ रहे थे ऐसे कैसे हो सकता है, सड़क पे फ्रिक्शन ही नहीं है और फिर भी गाड़ी चल पड़ेगी, कैसे कैसे? पर गाड़ी वो कह रहा है कि फ्रिक्शन तो है ही नहीं ना। अब प्रॉब्लम ये है, अगर मान लो म्यू जीरो कर दिया तो कहता कि गाड़ी तो स्लिप हो जाएगी, स्लिप होकर खाई में गिर सकती है, क्योंकि स्टीयरिंग में कंट्रोल का है कुछ है तो है नहीं, तो सोचो फिर मैं बैंकिंग 15 डिग्री थोड़ी ना करूँगा, फिर तो मैं 80 डिग्री कर दूँगा, ये खाई है और ये सड़क है, अब ये मेरी गाड़ी है, कैसे गिरेगी खाई में, हल्की 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 इसके साथ ट्रैक के साथ मूव करती रहेगी, बस। पॉइंट समझ में आ रहे हैं, कहने का मतलब कि बैंकिंग से भी सेंट्रिपिटल प्रोवाइड
होती है, ये इसका मतलब है। वो हो सकता है ना भी चले, क्योंकि बिना फ्रिक्शन के टायर भी घूमना बहुत मुश्किल है, वो स्लिप करता रहेगा, चलेगा नहीं। बट मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर बैंकिंग से भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। तो नॉर्मल रिएक्शन का कॉम्पोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ाता है। तो ये फॉर्मूला याद करना है, और इसके अंदर ये पेपर में आएगा, और इसके अंदर इसकी जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, हमने ये चीज़ सीख ली। लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड प्रोड्यूस कंसिडरेबल वेयर एंड टीयर, फ्रिक्शन ज़्यादा होने से टायर घिस जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो अब तुम तो फ्रिक्शन कितने भी कर दोगे, टायर में से धुएं निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, ब्रेक लगेगी, दिक्कत होगी। तो कह रहे हैं टू अवॉइड दिस, ताकि फ्रिक्शन का अफेक्ट थोड़ा कम करें फिर भी गाड़ी तेज चले, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्लोप बना देते हैं आउटर ट्रैक की, और स्लोप बना के एक आउटर ट्रैक को उठा देते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैंकिंग। अब आपको सड़क में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बैंकिंग करने से भी फर्क पड़ता है। तो फिर आपने लिखना है बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स क्या है, द सिस्टम ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ अ कर्व्ड रोड अबव द इनर एज इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ ट्रैक। और एंगल ऑफ बैंकिंग के बारे में पूछेगा, एंगल थ्रू विच आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड इज रेज्ड अबव द इनर एज इज नोन एज एंगल ऑफ बैंकिंग। ये आपने लिखना है।